हेलो स्टूडेंट्स, फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं गालिब सर। तो डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और इसे मैक्सिमम लोगों तक आप इसे शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। बहुत ही अच्छा लग रहा है जिस तरीके से आप हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं, लेक्चर को आप पसंद कर रहे हैं, उसको देखते हुए हमें बहुत खुशी मिल रहा है। और आप इसी तरह बस जुड़े रहिए और हम भी आपके लिए पूरा लगातार मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। आप उसी तरह जुड़े रहिए और आपका जो रेस्पेक्ट मिल रहा है, जो प्यार मिल रहा है, उसके लिए आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे मोलालिटी पे, और मोलालिटी पे, मोल फ्रैक्शन पे जितना भी एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल था वो सारे क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कुछ और तरह के भी सॉल्यूशन होते हैं, जिसका नाम आप सुने होंगे सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, जिसको हिंदी में असंतृप्त, संतृप्त विलयन भी कहते हैं। तो उस सबको सीखेंगे। फिर हम लोग जो बोर्ड में अभी तक जो लेक्चर हम कराए हैं उस सभी लेक्चर में से, टॉपिक्स में से बोर्ड में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उस सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो छह तरह के और आपको सॉल्यूशन हम बताने जा रहे हैं। तो पहले तीन तरह का सीख लेते हैं, फिर तीन और सीखेंगे। तो देखिए, सॉल्युबिलिटी के आधार पे, इसी को हिंदी में बोलेंगे विलयता के आधार पर विलयन के प्रकार। तो सॉल्युबिलिटी के आधार पे विलयन के कितने प्रकार होते हैं, तो छह प्रकार के आपको मिलेंगे, जिसमें पहले हम लोग तीन प्रकार का सीखते हैं। एक होता है अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं असंतृप्त विलयन। एक होता है सेचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संतृप्त विलयन। और एक होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। चलिए, तो सॉल्युबिलिटी के आधार पे सॉल्यूशन छह प्रकार के होते हैं, जिसमें तीन प्रकार के पहले हम लोग सीखते हैं। एक होता है अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में असंतृप्त विलयन बोलते हैं। एक होता है सेचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में संतृप्त विलयन बोलते हैं। और एक होता है सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में हम लोग अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, तो एग्जाम्पल से पहले आपको समझा देते हैं, फिर आपको हम बताएंगे उसका डिफिनेशन। तो चलिए, तो देखा गया है एट 25 डिग्री सेल्सियस 30 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml वाटर। इसी को हिंदी में लिख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 100 ml पानी में 30 ग्राम NaCl
घुलता है। चलिए इसका मतलब समझिए। अब देखिए, अब अनसेचुरेटेड किसको बोलेंगे और सेचुरेटेड किसको बोलेंगे और सुपर सेचुरेटेड किसको बोलेंगे, तो ध्यान से समझिए। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट को हम डिसॉल्व कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। सेचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और अधिक सॉल्यूट हम लोग डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसको बोलेंगे सेचुरेटेड सॉल्यूशन। और सुपर सेचुरेटेड बोलेंगे ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम ताप को बढ़ाने पर हम और सॉल्यूट को भी डिसॉल्व कर सकते हैं, उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आपको एग्जांपल से समझाते हैं तीनों को, क्या क्या तीनों में अंतर होता है। तो देखा गया है 25 डिग्री सेल्सियस पे 100 ml अगर आप पानी लीजिएगा तो उसमें जो NaCl डिसॉल्व होगा घुलेगा वो कितना ग्राम घुलेगा, 30 ग्राम। 100 ml पानी अगर लीजिएगा, टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर रखिएगा, रूम टेम्परेचर रखिएगा 25 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें जो नमक घुलेगा NaCl घुलेगा वो कितना घुलेगा, 30 ग्राम। अब देखिए एक सॉल्यूशन ले लिए, इसमें पानी कितना है, 100 ml पानी है, 100 ml क्या है, पानी। अब इस 100 ml पानी में नमक घुलना है, अब नमक मैक्सिमम अधिकतम कितना घुल सकता है, 30 ग्राम यहाँ पे लिख चुके हैं, लेकिन आप 30 ग्राम नहीं घोले हैं, आप 30 ग्राम से कम घोले, मान लीजिए आप 20 ग्राम घोले हैं, मतलब NaCl जो यहाँ पे आप घोल रहे हैं वो 30 ग्राम से आपको क्या करना है, कम लेना है। अब देखिए 100 ml पानी में आप 20 ग्राम NaCl को घोले हैं और टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, तो आप खुद बोलिए इसमें और सॉल्यूट मतलब NaCl और घोल सकते हैं कि नहीं घोल सकते हैं, घोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम कितना लिखे हैं, आप मैक्सिमम कितना ग्राम घोल सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे, 30 ग्राम, लेकिन यहाँ पे कितना घुला है, 20 ग्राम, तो 10 ग्राम और आप घोल सकते हैं। तो बोलेंगे ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट को हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं एट ए गिवन टेम्परेचर, एक दिए गए ताप पे, तो वैसे विलयन को हम लोग क्या बोलेंगे, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब बात करते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन, तो फिर आप उसी तरह 100 ml पानी ले लिए, कितना पानी है, 100 ml पानी है, और इस 100 ml पानी में जो आप नमक डिसॉल्व किए हैं NaCl मतलब कॉमन सॉल्ट जो डिसॉल्व किए हैं वो कितना है, 30 ग्राम, और टेम्परेचर रखें आप 25 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे देखिए इसमें 100 ml पानी में 25 डिग्री अगर टेम्परेचर रखिएगा तो कितना नमक घुलेगा, 30 ग्राम, तो 30 ग्राम तो घोल दिए। अब और नमक घुलेगा 25 डिग्री सेल्सियस पे, नहीं घुलेगा। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट को हम लोग नहीं घोल सकते हैं वैसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सेचुरेटेड सॉल्यूशन में अधिकतम सॉल्यूट घुला रहता है, उससे अधिक घुल नहीं सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसको हम लोग बोलेंगे सेचुरेटेड, और इसको हम लोग बोलेंगे अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन में और सॉल्यूट को हम लोग घोल सकते हैं क्योंकि इसमें अधिकतम सॉल्यूट नहीं घुला रहता है। सेचुरेटेड सॉल्यूशन में और अधिक सॉल्यूट को हम लोग नहीं घोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें अधिकतम सॉल्यूट घुला रहता है। दोनों के लिए ताप फिक्स रखना है। अब बात करते हैं सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, तो अब इसको समझिए, ध्यान से समझिएगा। फिर उसी तरह आप क्या किए, 100 ml पानी लिए, और यहाँ पे आप क्या किए, दोनों में टेम्परेचर फिक्स था लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर आप हाई कर दिए, 25 डिग्री से ज़्यादा कर दिए। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ताप के बढ़ाने पर अब ध्यान दीजिए इधर,
अब 100 ml पानी है, अब उसको आप टेम्परेचर हाई कीजिएगा, बढ़ाइएगा तो गर्म होगा। अब जब गर्म होगा तो पहले 25 डिग्री सेल्सियस पे उसमें NaCl घुल रहा था 30 ग्राम, अब टेम्परेचर जब हाई रखिएगा तो उसमें और NaCl घुल सकता है, मतलब 35 ग्राम भी घुल सकता है, 40 ग्राम भी घुल सकता है, लेकिन उसके बाद भी एक क्षमता होगा, उसके बाद सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन के बाद और नहीं घुल सकता है। तो यहाँ पे मान लीजिए 35 ग्राम घुल गया, इसमें कितना घुला 35 ग्राम, तो इसमें मान लीजिए 35 ग्राम या 40 ग्राम मान लीजिए 35 ग्राम NaCl क्या हुआ, डिसॉल्व हो गया ताप को बढ़ाने पर। अब ये नहीं जी इसमें 100 ml पानी में आप 1 kg NaCl को घोल दीजिएगा, ऐसा नहीं होगा, इसका भी एक क्षमता होगा। तो 30 ग्राम घुल रहा था समान ताप पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन टेम्परेचर को जैसे बढ़ाएंगे तो कुछ और NaCl डिजॉल्व हो जाएगा और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे अति संतृप्त विलय। समझ गए? तो ये दोनों में ध्यान रखिएगा, फिक्स टेम्परेचर पे होगा लेकिन सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन टेम्परेचर के बढ़ाने पर होगा। तो सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन को हम लोग बोल सकते हैं ऐसा सॉल्यूशन जिसमें टेम्परेचर के बढ़ाने पर और सॉल्यूट घुल सके, किससे ज़्यादा, सेचुरेटेड सॉल्यूशन से ज़्यादा, तो उसको हम लोग बोलेंगे सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? चलिए, कितना आसान है। हाँ, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन के एक एग्जांपल आपको बताते हैं। जब भोज में, शादी ब्याह में जब मिठाई बनता है तो आप देखे होंगे जब पाग एक होता है, चीनी और पानी को मिक्स किया जाता है, पाग बनाया जाता है, आप नाम सुनेंगे, और उसमें किसी जो चीज़ आपको बनाना है उसको डाल के उसको मीठा किया जाता है, जैसे रसगुल्ला भी बनता है आप देखे होंगे मार्केट में, तो रसगुल्ला का जो पाग होता है उसको देखिएगा, जब गर्म होगा तो आपको चीनी नहीं दिखेगा, पूरा चीनी घुला हुआ होगा, लेकिन जैसे 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 वो ठंडा होगा पाग, वो सॉल्यूशन जो है ठंडा होगा तो आप देखे होंगे चीनी आपको दिखने लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ चीनी जब ज़्यादा ताप था तो घुला हुआ था, लेकिन जब कम ताप आएगा तो जितना चीनी का घुलने का अवकाश था उतना तो घुला रहेगा, और जितना ताप के बढ़ाने पर घुला हुआ था वो अब घुला नहीं रहेगा, वो वापस चीनी के रूप में आ जाएगा। समझ में आया? जैसे मान लीजिए 100 ml पानी आप लिए और 25 डिग्री टेम्परेचर आ, अब उसमें आप 30 ग्राम चीनी को या नमक को घोल दीजिए, घुल गया पूरा, अब घुल गया, अब पूरा आपको चीनी नहीं दिखेगा, अब टेम्परेचर को बढ़ाइए और चीनी को घोलिए, तो मान लीजिए और NaCl को घोलिए, तो मान लीजिए 5 ग्राम और घुल गया, 10 ग्राम मान लीजिए 40 ग्राम NaCl 100 ml पानी में घुल गया, एकदम टेम्परेचर हाई है, मतलब 25 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर ले जाइए, पूरा घुल गया, 100 तक ले जाइए उसको, पूरा घुल गया, अब घुल गया तो पूरा घुला हुआ है, कितना ज़्यादा चीनी घुला हुआ है, 10 ग्राम ज़्यादा, तो अभी टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो आपको चीनी घुला हुआ दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर कम होते होते रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, तो 40 ग्राम जो चीनी घुला था हाई टेम्परेचर पे उसमें से 30 ग्राम तो घुला हुआ रहेगा, लेकिन 10 ग्राम क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, मतलब उसमें नीचे जाके सेटल हो जाएगा। इसका मतलब क्लियर है जो 10 ग्राम चीनी जो है वो ताप के बढ़ाने पर घुला हुआ है, इसीलिए वैसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब तीनों को हम सुपर तरीके से समझाएं, दिमाग में आपका फिट हो गया होगा, बस इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, याद कर लेना है, लेकिन सिर्फ रटना नहीं है, क्या करना है, क्या करना है बाबू, समझना है। समझ गए तो लिख दीजिएगा, रटिएगा, रटते रह जाइएगा। चलिए इसको कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए जल्दी। अब दो और सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं जो बहुत ही कॉमन है, लगभग हर एक क्लास में, बहुत सारे चैप्टर में ये आता है, बहुत ही बेसिक है, बार बार आता है और हम लोग अधूरे ही समझते हैं, तो आज पूरा समझेंगे हम लोग। एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं तनु विलयन,
और एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सांद्र विलयन। अब दोनों में फर्क क्या है, देखिए डायल्यूट जो है एक कॉमन वर्ड है, डायल्यूट मतलब समझिए हल्का। जैसे मान लीजिए आप पानी में कोई रंग घोल रहे हैं, रंग अगर गाढ़ा हो गया, डीप हो गया, पानी में ज़्यादा रंग डाले डीप हो गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, सांद्र विलयन। और एक में रंग जो है पानी में कम है, हल्का कलर है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये निश्चित नहीं होता है कि सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट को डालेंगे तो कॉन्सेंट्रेटेड कहलाएगा और कितना डालेंगे तो डाइल्यूट कहलाएगा, इसका कोई स्केल फिक्स नहीं है। हम लोग कंपैरिजन करके बताते हैं, रिलेटिव में बताते हैं, तुलनात्मक तरीके से बताते हैं। जैसे डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन समझिए, एक लीटर पानी लिए और एक और बीकर है, बर्तन है, इसमें भी हम लोग एक लीटर पानी लिए। अब इस एक लीटर में हम क्या किए, 500 ग्राम चीनी डाले, शुगर, और इसमें हम लोग क्या किए, एक लीटर पानी में 300 ग्राम चीनी डाले। तो देखिए एक लीटर पानी में यहाँ पे 500 ग्राम चीनी है और यहाँ पे एक लीटर पानी में 300 ग्राम चीनी है, तो दोनों में देखिएगा तो सॉल्वेंट सेम रखना है, सॉल्वेंट क्या रखना है, सेम, दोनों में सॉल्वेंट सेम है, लेकिन दोनों में अगर आप तुलनात्मक तरीके से देखिएगा तो चीनी जो है, शुगर जो है, किस में ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है और इसमें कम है, तो इसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और इसमें चीनी का अमाउंट कम है एक लीटर पानी में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट जो है कंपैरिजन करके ही हम लोग बोलते हैं, एक सॉल्यूशन को देखते हुए आप नहीं बोल सकते हैं। अब देखिए, अब इसी को अगर हम ऐसे कर दें, ये एक एग्जाम्पल हो गया, एक और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे भी एक लीटर पानी है और यहाँ पे भी एक लीटर पानी है, इसको नाम देते थे ए बी, इसको सी और इसको डी। अब यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे हम लोग घोले 40 ग्राम शुगर है और यहाँ पे हम घोले 50 ग्राम शुगर। अभी दोनों में कंपैरिजन करके बोले कौन कॉन्सेंट्रेटेड है भाई, तो एक लीटर पानी दोनों में है, इसको क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइल्यूट। एकदम क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये तो कॉन्सेंट्रेटेड है ये दोनों में, लेकिन अगर हम इसको और इसको कंपैरिजन करें तो, अब देखिए ये दोनों में ये तो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, लेकिन इसको और इसको कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा डाइल्यूट और ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि इसमें 500 ग्राम चीनी घुला हुआ है और उसमें 50 ग्राम चीनी घुला हुआ है। तो हमेशा डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड हम लोग बात करते हैं तुलना में, बात समझ रहे हैं। तो तुलना करके दो विलयन दिया रहेगा तो आप बता सकते हैं एक डाइल्यूट है और एक कॉन्सेंट्रेटेड है। आसान भाषा में डाइल्यूट मतलब हल्का और कॉन्सेंट्रेटेड मतलब गाढ़ा। चलिए अब डिफिनेशन देख लीजिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब हो जाएगा ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट रिलेटिवली तुलनात्मक रूप से कम हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसी का उल्टा हो जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट रिलेटिवली सॉल्यूट का मात्रा तुलनात्मक रूप से ज़्यादा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होगा, लेकिन डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा, कम होगा, तो इसको बोलेंगे डाइल्यूट और इसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब इसको कॉपी कीजिए। अब इसके बाद हम लोग जितना लेक्चर हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं इस लेक्चर को लेते हुए,
उस पे आधारित बोर्ड में जितना क्वेश्चन पूछा गया है उस सारे क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। एक और टाइप का सॉल्यूशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वा सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन इन विच वाटर इज टेकन एज सॉल्वेंट। तो एकदम सिंपल मतलब है, सॉल्यूशन में जब सॉल्वेंट हम वाटर को लेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्वा सॉल्यूशन। तो जहां पे एक्वा सॉल्यूशन आ जाएगा तो समझेंगे जो सॉल्वेंट जो है कौन है, वाटर है। इसी को हिंदी में बोलेंगे जलीय विलयन। ऐसा विलयन जिसमें पानी को या इसी को जल बोलेंगे, विलायक हो। तो एकदम क्लियर हो गया, एक्वा सॉल्यूशन का मतलब हो गया ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट जो होगा क्या होगा, वाटर होगा। तो जिस विलयन में सॉल्वेंट जो है, विलायक जो है, पानी होगा, जल होगा, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे एक्वा सॉल्यूशन, हिंदी में बोलेंगे जलीय विलयन। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। अब इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोग 7 लेक्चर तक पहुंच चुके हैं। तो 7 लेक्चर तक जितना भी टॉपिक हम लोग पढ़े हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये सब जो पढ़े हैं, मोलारिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब पे अभी तक 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है और 2 क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है। तो आपको बता चुके हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो अपना लिख लीजिएगा, 2014 क्वेश्चन है। और एक पूछा जा चुका है मोलारिटी और मोलारिटी में क्या डिफरेंस होता था, बता चुके हैं। पहले आपको डिफिनेशन वाला लिख देना, फिर यूनिट लिख दीजिए, और फिर लिख दीजिए कौन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और कौन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये हो गया दोनों सब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव भी आपको बना लेना है, तो दोनों को हम सॉल्व करके बताते हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, NaOH का वेट गिवेन है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवेन है 200 ml। आपको बोलता है मोलारिटी निकालने के लिए, तो एकदम आसान है, आप डायरेक्ट निकालिए। मोलारिटी इक्वल टू जानते हैं सॉल्यूट का मोल, और सॉल्यूट का मोल कैसे निकालते हैं, सॉल्यूट का मास बटा मोलर मास। तो सॉल्यूट कौन है, NaOH। NaOH का मास कितना गिवेन है, 2, और NaOH का मोलर मास कितना होगा, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया 40। तो गिवेन मास 2 ग्राम बट्टा मोलर मास 40 बट्टा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 200 और गुना 1000। एकदम आसान है, NaOH सॉल्यूट हो गया, उसका मास गिवेन है, मोलर मास से भागा देंगे, सॉल्यूट का मोल आ गया, और नीचे क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 200 लिख दीजिए गुना 1000, तो यही आ जाएगा मोलारिटी। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 2/40 * 200 गुना 100 गुना 1000। अब ये 2 0 3 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, 1/4, 1 में 4 से डिवाइड कीजिएगा, कितना आएगा 0.25। तो इतना आ गया क्या, मोलारिटी। तो आपका जो ऑप्शन होगा कौन हो जाएगा, ए ऑप्शन 0.25। इतना आसान क्वेश्चन है, चलिए इसको कॉपी कीजिए। हाँ, आप सेकेंड क्वेश्चन, तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सेकेंड वाला क्वेश्चन में शुगर सिरप बनाया जाता है जिसका वेट गिवेन है, शुगर सिरप का वेट कितना गिवेन है, 234.2 ग्राम। तो शुगर सिरप एक सॉल्यूशन हो गया जिसमें शुगर प्रेजेंट है और एक दूसरा कोई सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा, और शुगर का अमाउंट कितना है 34.2 ग्राम। अब आपको इसका मोलालिटी निकालना है, क्या निकालना है, मोलालिटी। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, आपको पहले लिखना है सॉल्यूट कौन है, तो शुगर, मास ऑफ शुगर, तो शुगर का मास कितना हो जाएगा 34.2 ग्राम हो गया। अब ध्यान रखना है ये क्या हो गया आपका सॉल्यूट। अब ये जो मास दिया है
234.2 ग्राम ये शुगर सिरप का है, शुगर सिरप मतलब सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन लिख देना है, सॉल्यूशन कौन है, शुगर सिरप, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मास कितना है, 234.2 ग्राम। अब हमको मोलल कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, मतलब मोलालिटी निकालना है। मोलालिटी निकालने के लिए क्या चाहिए, सॉल्यूट का मोल और नीचे सॉल्वेंट का मास। तो सॉल्वेंट का मास नहीं मालूम है, निकाल लीजिए। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, सॉल्वेंट का मास, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास क्या होगा, सॉल्यूशन का मास 234.2 माइनस सॉल्यूट का मास 34. घटा लीजिएगा तो कितना आएगा, 200 ग्राम, 200 ग्राम आ गया किसका, सॉल्वेंट का मास। अब फॉर्मूला लगाइए, तो मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूट का मोल, सॉल्यूट का मोल कितना आ जाएगा, तो गिवन मास, सॉल्यूट कौन है, शुगर है, शुगर कितना है 34.2 ग्राम। अब इसमें मोलर मास से भागा दीजिए, तो शुगर का मोलर मास आप जानते हैं, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिए आप, बहुत कॉमन है, C12H22O11। और इसका मोलर मास कितना होता है, 342, तो 342 बटा सॉल्वेंट का मास, सॉल्वेंट कितना आया, 200 ग्राम में है, तो 1000 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब देखिए कितना आएगा, 34.2 बटा 342 गुना 200 गुना 1000। अब भागा दीजिए, 2 से भागा दीजिएगा तो 5, इसको पॉइंट हटाइए, 10 लाइए, अब 5 से काटिए, 5 दूना 342, 342 कट गया, ऊपर आया 1, नीचे आया 2, भागा देंगे तो कितना आएगा, 0.5। तो इतना आ गया मोलालिटी। एकदम आसान क्वेश्चन था, शुगर सिरप का सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन का मास गिवेन था, सॉल्यूट का मास गिवेन था, सॉल्वेंट का मास निकाल लिए, और सॉल्यूट का मास में सॉल्वेंट के मास से भागा दे दिए और 1000 से गुना कर दिए, तो क्या आ गया, मोलालिटी। तो हमारा जो आंसर है ये वाला बी ऑप्शन हो जाएगा। अब इसको कॉपी कीजिए। तो लेक्चर 7 में हम लोग सीख गए सॉल्यूशन के टाइप सीखे, और बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे गए थे बिहार बोर्ड में, वो क्वेश्चन हम लोग कर लिए, लेक्चर 7 तक जो टॉपिक्स आए थे उसके आधारित। अब हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे सॉल्युबिलिटी क्या है। तो एकदम हिंदी और इंग्लिश में एकदम बेस्ट तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, पूरा हर एक चीज़ समझा रहे हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करा रहे हैं, सब चीज़ बता रहे हैं, समझा रहे हैं। जो डाउट होगा आपको डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या उससे बेटर है व्हाट्सअप नंबर पे अपना प्रॉब्लम शेयर कर दीजिए, या फोटो खींच के प्रॉब्लम भेज दीजिए, उसका सोल्यूशन हम भेज देंगे, या ज़रूरत पड़ेगा तो लेक्चर में भी उस क्वेश्चन का हम जवाब दे सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एकदम दबा के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितना आपका फ्रेंड सर्कल है सभी में इस लेक्चर को एकदम शेयर करते रहिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़ सके, ताकि हमारा और आपका जो जुड़ाव है वो और मजबूत हो सके। इसके लिए आप मैक्सिमम फ्रेंड्स के पास मेरे लेक्चर को शेयर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा लग नहीं रहा है, लाइक करने में कोई पैसा लग नहीं रहा है, लेकिन अगर आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो उससे हम लोगों का मनोबल जो है, हिम्मत जो है बढ़ेगा, और आपके लिए और हम लोग काम करेंगे। इसलिए आप लाइक कीजिएगा तो हमें भी लगेगा कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, और जब हमारा हिम्मत बढ़ेगा तो निश्चित है मेहनत और दुगुना होगा, तीन गुना होगा। इसीलिए आपसे गुजारिश है, जितना हो सके उतना लोगों को आप इस चैनल को, इस लेक्चर को शेयर कीजिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में।